नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्राम लेवड़ में स्थित राज्य टायर कंपनी से हो रहा प्रदूषण इतना भयानक हो रहा है कि आसपास के खेतों के राहगीरों को समस्या होती है। वहां राज कंपनी का धुआं इतना भयानक रूप ले लेता है कि आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। यहां पर पुराने गाड़ी के टायरों को पिघलाया जाता है, जिसके कारण अधिग्रहणशील बदबू आती है। ग्रामवासियों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। खेतों में भी फसलों को भारी नुकसान पहुँचता है। कंपनी की चिमनी बहुत पतली होने की वजह से प्रदूषण नीचे फैल रहा है। लेवड़ से रवि सुनैर की रिपोर्ट। भदोही जिले में रास्ते के विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। एक वृद्ध को पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी, लाठी और ईंटों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के लड़के की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों पर हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरियावा थाना इलाके के मधुपट्टी गांव की है। गांव की एक बस्ती में लोग कच्चे रास्ते से आवागमन करते हैं। आरोप है कि राजेंद्र प्रसाद और उनके परिजनों ने उस विवादित रास्ते पर ईंट बिछाने लगे, जिसका विरोध करने मृतक विजय शंकर पहुंच गया। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, उसके बाद विजय शंकर को राजेंद्र प्रसाद और उनके परिजनों ने ईंट, पत्थर, लाठियों और कुल्हाड़ी से प्रहार कर इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस विजय शंकर को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर चार पड़ोसियों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भदोही से आनंद देव पांडे की रिपोर्ट। बात कुछ चल रही थी, ये लोग दबंगा मनाए थे, पूरी आधा लाठी डंडे लेके सब चढ़ गए, चौगुना के 10 लोग लेके चढ़ गए गुंडा लेके। अब उसमें महाकाल एक दबंग मनाई है, उन्हें ऐसा कराए हैं। ऐसा जमीन का भी बात बस वही थी कि रास्ते वाले बात थी, रास्ते में निकलने वाले कि रास्ता हमको दिया जाए फिर आप बनाइए, बस इतना कहते हुए नहीं रुके। हम नहीं रुकेंगे भाई, हम बनाएंगे। और मारना पीटना था चलाना चालू कर दिए। कुल्हाड़ी से हमारे बाप का टांग कट गया है और हमारे बाप के सर में टंगारी लगी हुई है। थाना सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव मधुपट्टी है, उसमें एक ही परिवार के दो नजदीकी घर थे, उनमें आपस में काफ़ी मारपिटाई हुई थी। मारपिटाई के दौरान उनको इलाज के दौरान एक वृद्ध 54-55 साल को यहाँ पर हॉस्पिटल मिलेगा, जिसको डॉक्टर मृत घोषित कर दिया गया था और PM करा दिया गया और मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की ओर से सांसद श्रमिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन रेलवे परिसर में किया गया। इस दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। सांसद ने यहां आश्वासन दिया कि श्रमिक समस्याओं को भारत सरकार के समक्ष रखते हुए श्रमिक हितों का भरपूर संरक्षण किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री दिवाकर तिवारी ने आंगनवाड़ी स्कीम वर्कर आदि समस्याओं के समाधान की मांग की। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, ब्यूरो चीफ, बलिया, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। मैं अपने माननीय सांसद जी से मिला था और उनके अभिनंदन करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनंदन नहीं, अब काम होगा और श्रमिकों से संवाद हो, संवाद कार्यक्रम रखिए, मैं उसमें जरूर आऊँगा। और सांसद जी आए क्योंकि हमारे सांसद जी हमारे संस्थापक माननीय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी से जुड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ के को अपने भारत में एक नंबर पर लाने के लिए इन्होंने जो संगमा जी थे लोकसभा अध्यक्ष, उनसे लड़ करके और वोटिंग कराई थी, सदस्यता की गणना कराई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ 1995 में सबसे ज्यादा संख्या सदस्यता थी और उसको मान्यता मिली, जिसके 3 सदस्य आज भी IELO में वो प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व का संगठन। आज भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ बलिया शाखा द्वारा सांसद श्रमिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठनों के अलावे भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कार्यकर्ता अपनी बातों को रखने के लिए माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। हम लोगों को मुख्य रूप से अभी भारत सरकार ने 100 दिन के एक एक्शन प्लान घोषित किया है, जिसके तहत हमारे भारतीय रेलवे के
कुछ प्रोडक्शन यूनिट हैं जिन्हें निजीकरण निगमीकरण के दौर में चलाया जा रहा है, उसे निगमीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसमें मजदूर संगठनों से भी विचार लिया जाएगा। नर्मदा जिले के कंथरपुरा पाठशाला में बाल संसद चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल के प्ले स्टोर में से ईवीएम वोटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके चुनाव के चिन्ह भी डाउनलोड करके वैलेट यूनिट भी मोबाइल में तैयार किए गए। अन्य दूसरे मोबाइल से कंट्रोल यूनिट मोबाइल में ही तैयार किया गया। इस नवतर प्रयोग से पाठशाला के बच्चों में कुतूहलता रही। सभी पाठशाला के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक इस चुनाव में भाग लिया और मतदान किया। इस चुनाव में पुलिंग ऑफिसर अजय भाई, दिनेश भाई पुलिंग वन ऑफिसर के रूप में, हर्ष भाई और महिला पुलिस अधिकारी के रूप में कक्षा सातवीं की छात्रा वंदना बैन राजेश भाई ने भूमिका निभाई। गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। शाहजहापुर में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ BSA ने 18 शिक्षकों को निलंबित किया है। SIT की जांच में उनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि आगरा विश्वविद्यालय से उनकी डिग्रियां फर्जी बनाई गई थी और कई वर्षों से यहां शिक्षकों की तैनाती कर पढ़ाई का काम कर रहे थे। विश्वविद्यालय में 2005 में जो BED किए थे लोग, उनमें SIT जांच चल रही थी और SIT के जो जाँच के द्वारा CD उपलब्ध कराई गई थी, तो उसमें से जो हमारे जनपद में कार्यरत थे वो कुल 18 अध्यापक चिन्हित किए गए थे और उनको जो है उसी SIT रिपोर्ट के आधार पर और जो विभागीय निर्देश प्राप्त हुए उसके आधार पर इनसे इनका जवाब तलब करते हुए इनको समय देते हुए उनके टर्मिनेशन की कार्रवाई की गई। ये आगरा विश्वविद्यालय के जो संबद्ध कॉलेज है, आगरा विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज है, वहाँ से BED 2005 में लिख किए थे। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।